अब तक हमने देखा था कि कुछ स्पेशल केसेस में सिंपलेस्ट रिजल्टेंट कैसे होते हैं कोई भी फोर्स सिस्टम का, जैसे डिस्क्रीट सिस्टम्स या डिस्क्रीट फोर्स के सिस्टम्स के लिए हमने दो टाइप के देखे थे, एक कोप्लानर था, एक पैरेलल था, फिर पैरेलल को थोड़ा एक्सटेंड किया फॉर कंटिन्यूस या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स सिस्टम के लिए, तो उससे हमको मिला था सेंटर ऑफ मास का एक दूसरा इंटरप्रिटेशन, एक दूसरा व्यू देखने का तरीका, तो वहाँ तक हमने डिस्कस किया था। और मैंने ये प्रॉमिस भी किया था कि इस सेगमेंट में हम वो सिस्टम्स देखेंगे जिसमें कोई स्पेशलिटी नहीं हो, पूरा जनरल सिस्टम हो। इसका मतलब है कि उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं हो, स्पेशलिटी इन द सेंस वी हैड पुट सम रेस्ट्रिक्शन, राइट, कि को प्लानर है, सारे फोर्स एक ही प्लेन पे हैं या फिर सारे पैरेलल हैं, दे दोज वर रेस्ट्रिक्शन। जब भी हम कुछ रेस्ट्रिक्शंस डालते हैं तो हम उसको स्पेशल सिस्टम्स बोलते हैं। अभी हम सारे रेस्ट्रिक्शन हटा रहे हैं और एक कंसिडर कर रहे हैं एक पूरा ही जो जनरल फोर्स सिस्टम है। अब उसके लिए हम मीन्स वी आर सेट टू फिगर आउट कि सिंपलेस्ट रिजल्टेंट क्या होने वाला है और उसको कैसे फाइंड आउट करना है। सो दैट इज़ द टॉपिक फॉर दिस सेगमेंट। लेकिन उससे पहले मैं एक बिकॉज दिस टॉपिक विल बी यूज्ड इन दिस, आई एम जस्ट छोटा सा पिक्चर लेके मैं उसको पॉइंट आउट कर देता हूँ, सो दैट इट विल बी क्लियर कि जनरल सिस्टम इस स्पेशल सिस्टम से क्यों अलग है, कैसे अलग है और क्यों उसको जनरल माना जाएगा। ओके, नाउ इन दिस कोप्लानर सिस्टम वी हैड अ फोर्स लाइक दिस एंड सम कपल वॉज देयर, राइट, कोई तो कपल ऐसा था, जैसे कि मानो आप ऐसे कुछ है फोर्सेस ऐसे थे, है ना। तो अगर मुझे कपल मोमेंट दिखाना होता तो मैं ऐसे कुछ दिखा देता, ठीक है। सो ठीक है, ओके। नाउ अगर ऐसा है, ये कपल है, तो ये मानो आप पी एंड माइनस पी है, ये अजीब दिख रहा है कि पी माइनस पी टाइप का, से ये माइनस पी है। सो ये जो सिस्टम हमने देखा था कि एक प्लेन पे फोर्सेस एंड कपल्स हैं और कैसे इस कपल को पूरा नलिफाई कर देना है बाय प्रॉपरली मूविंग एफ ऑन द सेम प्लेन, अब क्या है। और दूसरा था जो पैरेलल, उसको भी हमने देखा था, और लेकिन उसमें भी अगर आप देखोगे तो फाइनल जो स्टेप था उससे जस्ट पहले वाले स्टेप में ये था कि एक फोर्स होता है और उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक कपल होता है ना। तो दोनों केस में हम उस जगह पे पहुंचते हैं जहां पे एक फोर्स होता है और उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक कपल मोमेंट होता है। अब तो उसी चीज़ को अगर हम हटा दें, ये रेस्ट्रिक्शन को, ये 90 डिग्री वाला रेस्ट्रिक्शन को अगर हटा दें, तो हमको मिल जाएगा द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ फोर्स सिस्टम। तो मैं क्या करता हूँ, इस पार्ट को साइड में रख देता हूँ क्योंकि इसको रेफर करेंगे हम, सोचो यहाँ पे रख दिया मैंने, और अब यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे द मोस्ट जनरल सिस्टम। जनरल सिस्टम मैं अभी कैसे बनाऊँगा कि मानो आप कि एक प्लेन है, ठीक है, से I'll call this a plane A, ठीक है। इस प्लेन A पे कोई एक फोर्स है, या फिर बाद में ड्रॉ करता हूँ। तो अभी क्या करेंगे, हम दो प्लेन लेंगे जो कि एक दूसरे से पैरेलल भी नहीं है और परपेंडिकुलर भी नहीं है, दे आर मेकिंग सम एंगल विथ ईच अदर। अब वो जो है प्लेन, उसको मैं कुछ ऐसे ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, से कुछ ऐसा है, ठीक है। अब दिस डजंट लुक, ओके,
कुछ एंगल बना हुआ है और यहाँ पे दैट डजंट लुक लाइक इनफैक्ट ठीक है यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ऐसा करता हूँ ओके अब ये ये एंगल है हाँ ठीक है सो अब ये जो लाइन को अगर मैं ज्वाइन करूँगा तो यू विल गेट सो यहाँ से लेके वहाँ तक ये जो लाइन है ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन टू मेक इट मोर क्लियर व्हाट आई विल डू यहाँ पे इनको डॉटेड बना देता हूँ टू कन्वे दैट दिस एज इज बिहाइंड दिस ब्लू कलर प्लेन या सो लाइक दैट इसको मैं बोलूँगा प्लेन बी ठीक है अब क्या करते हैं कि प्लेन बी पे एक रखते हैं कपल कैसे कि मानो आप ऐसा कुछ है एक ऐसा है ऐसे नहीं करता हूँ ऐसा है और ऐसा है तो इसका अगर मैं कपल मोमेंट दिखाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से दिखा सकता हूँ ठीक है ये कपल मोमेंट हो गया दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन बी ठीक है मतलब ये जो है ये 90 डिग्री है अब जो फोर्स है वो इस प्लेन पे नहीं है प्लेन बी पे नहीं है प्लेन बी पे होता तो ये केस हो जाता अब हमने क्या किया है जो फोर्स है वो प्लेन ए पे है कहीं पे जैसे ऐसा है कहीं पे ठीक है तो दिस इज द मोस्ट जनरल सिचुएशन वेयर कहीं पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ऑन द डायरेक्शन जो कि इसमें था अब इसमें इस कंडीशन में हम कैसे फाइंड आउट करें कि सिंपलेस्ट रिजल्टेंट क्या आएगा ओके तो तरीका यह है कि हम ये कोशिश करें कि इस सिचुएशन में जो भी पार्ट इस टाइप के कंडीशंस हैं या हम बना पाएँ वो बना के उसको सॉल्व कर दें जैसे कि पहले हम क्या करेंगे कि ये जो C है ये किसी पर्टिकुलर एंगल पे है अब उसके दो कंपोनेंट हम ले लेंगे ठीक है एक कंपोनेंट हम ऐसे लेंगे जो कि परपेंडिकुलर टू प्लेन A होगा और दूसरा कंपोनेंट ऐसे लेंगे जो कि पैरेलल टू द प्लेन A होगा ठीक तो अब क्योंकि ये वेक्टर फ्री वेक्टर है मैं कहीं पे भी ड्रॉ कर सकता हूँ तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो मैं क्या करता हूँ कि इस जगह पे ड्रॉ करता हूँ उसको डजेंट मैटर राइट क्योंकि वो फ्री वेक्टर है मैं कहीं पे भी ड्रॉ कर सकता हूँ सो लेट मी ड्रॉ दैट इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पे भी और एक सी है बस मैं उसको यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ इनफैक्ट कलर मैं अलग कर देता हूँ सो दैट अब ऐसा कुछ है ना ये सी है अब इसको मैं दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करूँगा एक तो हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए और एक हो जाएगा पैरेलल टू प्लेन ए ठीक है ये हो गया पैरेलल टू प्लेन ए तो मैं इनको नाम थोड़ा दे देता हूँ इसका नाम मैं कर देता हूँ सी नॉर्मल परपेंडिकुलर के लिए सो सी एन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ए और सी इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ ठीक सी इसको बोलूँगा सी हॉरिजेंटल ओके या फिर सी पैरेलल ही बोल सकता हूँ
सी पैरेलल. नाउ सी पैरेलल, सो एन जो है, एन का मतलब है नॉर्मल टू प्लेन ए, एंड पी जो है उसका मतलब है पैरेलल, सॉरी टू प्लेन ए. ठीक है, अब ये दो कंपोनेंट हो गए. अब अगर मैं इन दोनों को देखूं, एफ एंड सी एन, तो आप इसके साथ कंपेयर करिए, इसके जैसे ही है वो, क्योंकि अब ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है एफ और सी एन के बीच में. तो अब यूजिंग दिस क्या बोले मेथड, वी कैन जस्ट कैंसल आउट दिस सी एन, है ना. कैसे करें, एफ को किसी जगह पे शिफ्ट करेंगे ऑन द सेम प्लेन, प्लेन ए, ऐसे कि एक नेगेटिव कॉम्पेंसेटरी कपल मोमेंट बन जाए, जो कि एग्जैक्टली सेम लेंथ हो सी एन जैसा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो. वो कैसे बनेगा, जैसे कि मानो आप मैं किसी इस ऐसे पॉइंट पे ले आऊँ, देखते हैं क्या बनेगा ऐसा, ए पे ले आऊँ तो यस, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में बनेगा. सो लेट्स सी. तो अब इन इसके वजह से यहाँ शिफ्ट करने के बाद एक नेगेटिव बनेगा, सॉरी नॉट, इट शुड बी पैरेलल राइट टू दैट, सो ऐसा बन जाएगा. ठीक है, सॉरी. अगर ये जो है, दिस इज नथिंग बट एफ टाइम्स ये जो डिस्टेंस है, है ना. अब मैं यहाँ पे इसको दिखा देता हूँ कि F जो है यहाँ पे शिफ्ट हो गया है. ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है बिटवीन देम, लेट दैट बी D. ठीक, तो हमने D शिफ्ट किया पैरेलली, तो दिस इज नथिंग बट F टाइम्स D. तो इसका अगर डायरेक्शन तो उल्टा है, अगर मैग्नीट्यूड इसके बराबर हो गया तो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर. तो अब क्या बचेंगे, वो ख़त्म हो गया, तो खाली ये सी पी और एफ बच गए. अब उनको ना हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, और अभी खाली हमको प्लेन ए की ज़रूरत है, बाकी प्लेन जो है प्लेन बी की ज़रूरत नहीं है. सो मैं क्या करता हूँ, खाली प्लेन ए यहाँ ड्रॉ करता हूँ. ओके, ठीक है, ये प्लेन ए ही है. अब सिचुएशन क्या है कि कहीं पे तो एफ है ऐसा, फिर सी पी है, ठीक है, सी पी कुछ ऐसा है, अब क्या कर सकते हैं हम कि इस सी पी के दो कंपोनेंट ले सकते हैं, एक परपेंडिकुलर टू एफ और एक पैरेलल टू एफ. अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि हमेशा स्टूडेंट कन्फ्यूज्ड होते हैं, उनको लगता है कि सी पी शुड बी परपेंडिकुलर टू एफ, वो ज़रूरी नहीं है. कैसे, कि जब हमने इसको रिजॉल्व किया ना, सी को रिजॉल्व किया सी एन एंड सी पी में, ऊपर से देखें इस प्लेन को, तो मैं यहाँ छोटा सा एक ड्राइंग बनाता हूँ, नॉट टू स्केल टाइप. ओके, अगर मैं प्लेन ए को ऐसे ऊपर से देखूँ तो ये जो फोर्स है वो यहाँ कुछ ऐसे दिखेगा, ऐसा. और ये जो सी पी है ये इससे परपेंडिकुलर होना ज़रूरी नहीं है, ये कुछ इस तरीके से हो सकता है ना. ठीक है, ये सी पी है, ये एंगल कोई ज़रूरी नहीं कि 90 डिग्री हो, क्योंकि वो डिपेंड करेगा इसके पर्टिकुलर एंगल पे. सी को जब रिजॉल्व किया परपेंडिकुलर लेके, क्योंकि जैसे ही परपेंडिकुलर हमने डिसाइड कर लिया तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर और ये ओरिजिनल वेक्टर मिलके एक प्लेन डिफाइन करते हैं, और उस प्लेन पे ही ये सी पी फिर आता है, और वो प्लेन ज़रूरी नहीं कि एफ से परपेंडिकुलर हो. ठीक है, तो अब
इसको हम रिजॉल्व करेंगे तो ऊपर से देखेंगे तो ऐसे कुछ दिखेगा। सॉरी मैं ये यूज़ कर सकता हूँ, कुछ ऐसे, ठीक है। तो अरे यार ठीक, कुछ ऐसा और एक कुछ ऐसा, ठीक। तो यहाँ पे अगर मैं डिस्प्ले करूँ तो कुछ बनेगा ऐसा और एक ऐसा, ठीक है। और इनको नाम मैं देता हूँ सी परपेंडिकुलर एंड सी पैरेलल, ठीक है। तो बढ़िया है, ऐसे रिजॉल्व कर लिया हमने। लेकिन अब जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ नोटिस करने लायक, वो है कि ये जो एंगल है ये अब भी 90 डिग्री बन गया, परपेंडिकुलर हो गया। जैसे ही परपेंडिकुलर हो गया फिर से ये सिचुएशन पे आ गए हम। तो अब हम फिर से इसको हटा सकते हैं, नलीफाई कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। कैसे? बाई मूविंग दिस एफ प्रॉपरली। कैसे? कि वैसे प्लेन पे मूव करें जैसे कि ये कैंसिल हो जाए, वो प्लेन कौन सा होगा जो कि परपेंडिकुलर हो इस सी परपेंडिकुलर से। जैसे फॉर एग्जांपल मानो ऐसा कोई प्लेन में लेता हूँ विच इज़ यू नो ऐसा, दिस लेट्स से दिस इज प्लेन सी, दिस वन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ए, ठीक है। और इसका मतलब है परपेंडिकुलर टू सी परपेंडिकुलर भी है एंड कंटेन्स द वेक्टर एफ, ठीक है। अब इस प्लेन पे हम एफ को मूव कर सकते हैं जैसे कि ये कैंसिल हो जाए। मतलब अगर ऊपर से ऐसे देखें तो कुछ ऐसे दिखेगा। मतलब अच्छा यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये जो प्लेन सी है ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। ये प्लेन सी है। अब एफ को इस प्लेन पे मैं मूव करूँगा तो एक कंपेंसेटरी कपल बनेगा जो कि ऐसे बनेगा, ठीक है, और इसको कैंसिल कर लेगा। और जैसे ही उसको कैंसिल कर लेगा तो वी विल बी लेफ्ट विथ ओनली दिस, ठीक है। तो अब अगर हम देखें कहाँ पे शिफ्ट करें, जैसे कि सोचो आप यहाँ पे आ गए हम, से पॉइंट बी यहाँ पे आ गए, फोर्स हमारा यहाँ आ गया। अब ये फोर्स भी प्लेन सी पे है, ठीक है। तो क्या अभी, हाँ तो अब जो है इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये जो सी परपेंडिकुलर है वो इट इज़ इनटू द ब्लैक बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है, हमको बाहर की तरफ एक बनाना है मूवमेंट। सो दिस मूवमेंट विल डू दैट, ठीक है। या जैसे ही बनेगा तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया। जैसे ही अब यहाँ पे भी दिखा सकते हैं कि डी डैश मानिए ये डिस्टेंस है, सो दिस इज नथिंग बट एफ टाइम्स डी प्राइम, खत्म। तो अब क्या बच गया कि ये एफ, अब यहाँ पे फिर से देखिए, ये जो है ये फ्री वेक्टर है, इसको तो हम कहीं भी ले सकते हैं, तो हम इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ठीक। तो सी पैरेलल। तो अब जो है फाइनली क्या आ गया कि एक फोर्स है और उसी डायरेक्शन में उसी उसके पैरेलल एक सी है, ठीक है। तो अब हमारे पास फाइनल आ गया और इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि एफ को कहीं भी शिफ्ट करें, कुछ भी करें, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा उसका, ठीक है। तो दैट बिकम्स योर क्या बोलते हैं सिंपलेस्ट रिजल्टेंट इन दिस केस, क्योंकि एक बार अगर यहाँ तक आ गए तो उसके बाद
किसी को भी मूव करें, इसको मूव करने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं है, इसको मूव करने से इसको इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान में रखने चाहिए वो है कि ये अच्छा, इसका पहले मैं नाम बता देता हूँ, जैसे कि समरी टाइप का लिख देता हूँ यहाँ पे, ओके, और दिस लुक्स समथिंग लाइक दिस, कि कोई एक फोर्स है, ठीक है, और एक कपल मोमेंट है, एंड बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, मीन डायरेक्शन इन द सेंस ओरिएंटेशन सेम है, सेंस अलग हो सकता है, तो और इसको कहते हैं रेंच, ठीक है, एक फोर्स है और उसी ओरिएंटेशन में एक कपल मोमेंट है। जब इन दोनों का सेंस भी सेम होता है, मतलब डायरेक्शन दोनों का सेम है, तो इसको पॉजिटिव रेंच माना जाता है। जब इनके सेंस अलग हैं, ओरिएंटेशन तो कैसे भी एक होना ही पड़ेगा, जब इसका सेंस अलग है, जैसे कि इस पिक्चर में है, एक राइट की तरफ है एक लेफ्ट की तरफ है, तो ऐसे सिचुएशन में उसको नेगेटिव रेंच माना जाता है। ओके, ये तो हो गया नाम रेंच। अभी हमको पता चल गया कि मतलब एक मोस्ट जनरल केस में सिंपलेस्ट रिजल्टेंट क्या होता है, एक रेंच होता है, ठीक है, उससे और सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता, दैट इज द अल्टीमेट सिंप्लीफिकेशन। और अभी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो रेंच है, आपने नोटिस किया होगा, मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है नाम द सिंपलेस्ट रिजल्टेंट, मतलब जैसे ऐसे प्रीवियस केस में ना, हम क्या कर सकते हैं, कोई सिस्टम है मानो आप, ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि अच्छा इस पॉइंट पे रिजल्टेंट निकालिए, इवन इन इन दिस जनरल केस, ठीक है, हम हमेशा बोल सकते थे कि अच्छा पॉइंट ए है, उस पॉइंट पे आप रिजल्टेंट निकाल दो, तो कोई निकाल देगा, क्योंकि सारे मूवमेंट हमको भी पता है कि कैसे करना है, निकाल देगा। बट देन अब और कोई पूछता है कि अच्छा दूसरे पॉइंट बी है, उस पॉइंट पे रिजल्टेंट निकालिए, तो वहाँ पे भी कोई दूसरा निकल आएगा, फोर्स तो सेम रहेंगे लेकिन ये जो मोमेंट वाला पोर्शन है वो अलग हो जाएगा। अब लेकिन जब कोई ये रेंच निकालता है तो फिर वो क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए कि फाइंड द रेंच, ऐसा नहीं कि इस पॉइंट पे आप रेंच निकालो या उस पॉइंट पे रेंच निकालो। रेंच रेंच होता है ऑफ ए गिवन सिस्टम, बोलने की ज़रूरत नहीं होती है कि मतलब कहाँ इस रेंच को बनाना है, क्योंकि ये जो लाइन ऑफ एक्शन है ना, ये फिक्स्ड हो गया, इसको आप बदल नहीं सकते हो, जैसे ही बदलोगे तो किसी दूसरे डायरेक्शन में एक कपल फिर आ जाएगा, ऐसा सिचुएशन नहीं रहेगा, इसीलिए इसको द रेंच बोलेंगे, द सिंपलेस्ट रिजल्टेंट, और एक सिस्टम के लिए ये यूनिक है, ये फिक्स्ड है। हम यहाँ पे निकालेंगे तो एक रेंच आएगा, वहाँ पे निकालेंगे तो दूसरा रेंच आएगा, ऐसे नहीं होगा। रिजल्टेंट अलग हो सकते हैं, द मतलब इवन सिंपलेस्ट रिजल्टेंट, मतलब दूसरे जगह पे सिंपलेस्ट रिजल्टेंट में क्या होगा, एक फोर्स होगा, कोई मोमेंट होगा, ठीक है, लेकिन कहीं पे भी आप निकालो, सोचिए कि दो पॉइंट पे हमने निकाला, एक फोर्स आ गया एक मोमेंट आ गया, यहाँ पे एक फोर्स आ गया एक मोमेंट आ गया, अब दोनों पे ही जब आप मोमेंट को हटाने की कोशिश करोगे तो आप रेंच पे आके अटकोगे, मतलब अगर सिंपलेस्ट पे जाना है तो रेंच पे आके अटकोगे, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई कॉल दिस द सिंपलेस्ट रिजल्टेंट, एंड या दिस इज़ अ ब्यूटिफुल थियरी विच आई वॉज रेफरिंग टू। और ये तो हो गया समझने वाली बात कि ये होता क्या है रेंच, और कैसे उसके डिफरेंट पार्ट्स कैंसिल आउट हो जाते हैं और फाइनली बचता क्या है, ये हो गया उसकी अंडरस्टैंडिंग। अब इसको इवैल्यूएट कैसे करना है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, वो हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, ये क्योंकि ये सेगमेंट काफ़ी लंबा हो गया है, सो इसको यहीं पे रखते हैं। तो नेक्स्ट यूनिट में हम इस यूनिट के लिए ये लास्ट सेगमेंट है, नेक्स्ट यूनिट में हम देखेंगे कि ये जितना भी हमने टूल अभी एक्वायर किया है फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, अभी उनको यूज़ करके इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम्स कैसे डिसाइड करें, कैसे देखें कि हाँ कोई सिस्टम अभी स्टेबल है कि नहीं, बैलेंस्ड है कि नहीं, वो सब आएगा नेक्स्ट यूनिट में।
See you then in the next segment.